डालो भाई द एंबिशियस वीडियो भाई में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है आज का न्यू टॉपिक जजिंग के बारे में, लोग कैसे कैसे लोगों को जज करते हैं, जॉब पे हो या कोई आप किसी का जॉब कर रहे हो, कोई आपको जॉब दे रहा हो, या किसी से आप मिल रहे हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो, डेली वगैरह थोड़ी बहुत सारी चीज़ें, और आप कहीं काम कर रहे हो, कोई आपका बॉस है, एम्प्लॉय है, थोड़ी चीज़ें कॉलेज वगैरह, तो आपको जज कैसे किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट जज करने का ये रहता है कि आपके ड्रेसिंग से आप एकदम बाल मार एकदम आप एकदम बदमाश हो गया, आपके बाल तेल लगा के बटन यहाँ तक होना चाहिए, टेढ़ी नाटक टेढ़ी होना चाहिए, वो आपको बहुत एजुकेटेड और बहुत ही अच्छा समझेगा, वो इसकी उसको आता कुछ भी नहीं है, मगर वो उसके लिए बॉस के लिए आप बहुत अच्छे नेम हो। मैं थोड़ा बहुत अपने ही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत वर्ल्डिंग करता हूँ, पेशन भी देता हूँ, तो मैं बाल मार कर कलरिंग स्लीपर व्लीपर ये सब, तो आदमी मेरे समझे में ठक हो गई। ये लोगों का जज करने का रहता है, इस तरीके से लोग जज करते हैं, और लोग किसी की भी फीलिंग को कुछ करते नहीं है भाई। ये बात आप अभी जान लो, पहले जान लो, सलमान खान के पापा ने एक बात बोली थी, आंसू पोछो तो खुद पोछ लो, अगर पोछने आएंगे तो सौदा करेंगे। ये चीज़ उन्होंने बोली थी, वापस बड़े उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी, तो इसलिए ऐसे लोग आपको जज करेंगे। ये है कि कोई लड़की के बारे में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरह से देना, वैसे मत देना, तो आजकल की पब्लिक वैसी बहुत खूबार हो रही है, कुछ भी कह सकती है। आप लड़की बालकनी में खड़ी है अपने घर की, आप रोड से निकल रहे हो, आपने एकदम मॉडलिंग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, चेन वगैरह है, शर्ट है, जो भी आपको पसंद हो, फंकी टाइप की पेंट शूज, वाइट ब्लैक ऑरेंज, कोई से भी आप जो आपको अच्छा लगता हो वो आप शूज पहनिए, केप वगैरह, बारिश स्ट्रेट रिमांडिंग विमांडिंग है, आप बहुत लाठी लग रहा हो, कूल लग रहा हो। मगर एक लड़की का जजमेंट क्या कहता है, जो पहले टॉपिक की बात करी थी वो इसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मगर उसमें किसी को समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाए, इसलिए बता रहा हूँ कि लड़की क्या सोचती है कि कैसा आदमी है, कैसा लड़का है, जो भी उसकी हाइट देखो, उसके कलर देखो, उसकी कास्ट देखो, और उसकी ड्रेसिंग सेम देखो, पहनने का चेन में कल, मगर वो आदमी उनको सच्चा प्यार करता है, वो आदमी उनको सच्चा प्यार करता है, नोट कर लेना बात, और प्यार से सुनो, ध्यान से ये बात ध्यान सुनिएगा, वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है। मगर एक दूसरी तरीके से अपन देखे जाए, अपन अपना माइंड लगा के देखें, एक लड़का है फुल एजुकेटेड, कोट पेंट टाई, मतलब फुल फॉर्मल तरीके से बंदा आया, बाल मान इतना मुश्किल जो भी है, ड्रेस वेस लगा के आया है, वो बंदा यूँ करके खड़ा है, यूँ खड़ा है, जेब में हाथ डाल के, पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा है, जो भी हो, वो आदमी आपका मर्डर करने आ रहा है, लूटने आ रहा है, कि तोड़ देगा, आगे रिलेशन करेगा, आगे आपके जो भी होगा वो होगा, उसके हिसाब से ब्रेकअप कर देगा। ये एक लड़की का बता रहा हूँ, तो मैं अपने उससे बता रहा हूँ, लड़की के बारे में नॉलेज नहीं है, लड़का हूँ तो लड़की के बारे में बता सकता हूँ, इसीलिए ये लोगों का जजमेंट होने में कि आप गिव अप कितनी जल्दी कर दोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी के अंदर भी और वीडियो में भी, दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गिव अप कितनी जल्दी कर सकते हो, कोई आपको अजमाएगा या आपको ना भी अजमाएगा, दोनों उसमें, अगर आप चले दो चलो तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, आप कोई भी मतलब एक तरीके से मेरा एग्जाम्पल दे दीजिए, आप मैं कहीं काम करता हूँ, मुझे सुबह शाम में ताने पड़ते, दिन टूट जाता है, इसे ताने पड़ते, कलेजा फट जाता है, मगर मैं सोचता हूँ क्योंकि मुझे आगे कुछ बनना है, मैं गिव अप नहीं करूँगा, ना अभी गिव अप करूँगा ना आगे नहीं करता, बनना है इसलिए तो भाई काम कर रहा है, इसलिए तो कुछ कर रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर अभी 100 सब्सक्राइबर भी लेंगे, मगर मैं चाहूँ तो गिव अप कर दूँ, चाहूँ तो ना करूँ, वो मेरी आइडिया है, मगर मैं गिव अप नहीं करता, वीडियो बना रहा हूँ, मेरे व्यूज़ कितने भी आए, 100 आते हैं, कहीं 50 आते हैं, कहीं 70, लाइक भी ठीक ठाक आ जाते हैं, 20-30, 40 आ जाते हैं, तो गिव अप नहीं करता,
जो ये आदमी वीडियो बना रहा है वो भी अपनी जिंदगी से परेशान है। पहले नल्ले थे, अभी कुछ टाइम काम करेंगे फिर नल्ले हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, मगर वो आदमी अपने इस पर खड़ा रहता है, लड़ता रहता है लोगों से, अपनी मुश्किलों से लड़ता है। जो लड़ता है वही जीतता है भाई। गिव अप करोगे दुनिया नहीं करेगी यार, नेवर गिव अप, कभी मत करो गिव अप भाई। हारोगे उससे आप थोड़ी कर नहीं सकते। आप हारा था अली अली पिक्चर के अंदर आपने देखी होगी, या हम हारते हैं या जीतते हैं या ये सीखते हैं, हारते रहेंगे। तो इसलिए गिव अप मत करो भाई, क्या पता ऊपर वाला भी आपकी इम्तिहान लेगा। इम्तिहान भी उसी का लिया जाता है जिस पर भरोसा होता है। इसलिए आप कभी भी गिव अप मत करिए, गिव अप नहीं करेंगे आप हमेशा जीत जाएंगे भाई। मैं भी ये चाहता हूँ हर आदमी सुख रहा है। और आजकल रिलेशनशिप जो चल रहा है बहुत ही घटिया टाइप की रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ही घटिया। जैसे भाई मेरा दिल टूट गया, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, ये भोपाल की वीडियो, मैं भोपाल में रहता हूँ, VIP पे कितने लोग मैं अपनी आंखों से देखता हूँ सुसाइड करने आते हैं, पकड़ लिया करती हूँ लड़की रहता हूँ भाई। वो लड़की गई, उसको जान दे, वो गई बाहर में, परेशान मत हो, उसने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। वो जो करेगी वो करेगी अपनी ज़िंदगी में, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू क्या करेगा, तू उसे मर जाएगा, मर के वापस उठ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा जब आप देगा भाई मालिक को। ये लड़की के चक्कर में मैंने तुझे तेरी माँ से पैदा कर पैदा किसी की आप सबको आज पूरे इंडिया को मालिक, हिंदुस्तान को मालिक। जो यूपी में जो कांड हुआ है लड़की के ऊपर, लोग उस पर किस पे ब्लेम कर रहे हैं भाई, क्यों? वहाँ के किसी ने कुछ बयान वगैरह दिया था तो वहाँ पर जज तो जिसके जिसके अंडर में ये था जो जज था वो उठ के खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा गया था, उसके बाप से क्या चीज़ बोली गई कि तेरी बेटी जो है ना वो अपने कपड़ों के चक्कर में इसका रेप हुआ है। भाई क्या मेंटेलिटी है, क्या चाहते हो, क्या सोच है, बाबा से मगर उस दिन चार लोगों ने काम करा है वो तो अभी भी जीना ठोक के घूमेंगे वो, ये नहीं कल चार और होंगे, वो तो होंगे भाई। ये वीडियो में आपने खुला डंगा बोल दिया हूँ, आज एक हुआ है कल चार होंगे, और हर 3 मिनट में एक रेप होता है। ये बात आप सोच लो कितने रेप कितने, तो FIR में लिखाई नहीं जाता है, धमका दिया जाता है, किसी फैमिली को कुर्सी लगाया जाता है। मैं लड़की का नाम इसलिए नहीं बता रहा, आप लड़के लड़की का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से किसी लड़की है उसके हिसाब से जो है वो नहीं बता सकती, उसका नाम नहीं बता सकते। कितने बेवकूफ़ लोग हैं आप, उस लड़की को इतना फेमस कर दोगे, इतना फेमस कर दोगे क्या बताओ आप, क्या क्या कर दोगे आप? उसकी स्टोरी डाल दो, उसका फोटो डाल दो, उसको नहीं मालूम वो भी है। एक बंदा है मेरे साथ, उसका कीपैड मोबाइल है, उसकी न्यूज़ में सुन लिया था तो फोटो नहीं देखा था, मगर वो ये आदमी खड़ा ये होगा ये बोलेगी आप इतनी अच्छी लड़की है, कितनी माँ वो लड़की का तेरा उसके माँ बाप के बिल्कुल नहीं जाकर भाई, आपके घर में तो माँ बहन होगी, मगर आप नहीं सोचती ये वाली बात है। जितने मैं बता रहा हूँ वो जिन लोगों ने करा है ना भाई, आगे भी करेंगे। ये जिंदगी में जो कांड हुआ ना, बस में कांड में भाई आपने हैशटैग लाया, कितना 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 सपोर्ट कर रहा था, क्या उसको कुछ लोगों को हाँसी हो गई थी। आपके भाई जनता में बहुत ताकत है, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आप करो तो फिर कैंडल वगैरह लेके आने में कुछ नहीं होने वाला भाई। आप सोचो ये कैंडल पर मैं लेके निकल जाऊँ तो आगे क्या मैं जाके हाय 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 बोल करो होगा भाई। अभी किसी लोगों ने दुबई की टाइप से अभी वीडियो या साल बाद की वीडियो को मैं मालूम नहीं है, मगर वहाँ रेप हुआ था, रेप में कुछ कांड हुआ था वहाँ पे, कांड का पता नहीं चला, मगर 15 मिनट के अंदर वहाँ की आर्मी आ गई, पुलिस छोड़ो आपकी आर्मी आ गई थी, और उसको लिटाया गया, उसके हाथ पाले निकल कर जमीन पर लिटाया, और एक के फोटे देखो धड़ वो एकदम नहीं मारा उसको, धड़ थोड़ी सड़क निकली, धड़ उठा मारा पंडित विलेज के अंदर, क्योंकि क्यों ये आजू बाजू की जनता है ना वो देख के डर रहे, यहाँ की डर नहीं क्या रेप हो गया भाई, केस चल लिया है अभी तो, अभी 6 महीने केस चलेगा। उसके माँ बाप से पूछो भाई उसको कितनी मेहनत करती है, उसकी माँ से पूछो उसका भाई उसका बहन होता है कितना लोग, उसके से पूछो उसके खानदान से पूछो भाई, कलम लग जाता है इधर उधर, कलम लग जाता है भाई, समझ गए वीडियो बात
अच्छा ही लगता है पहले उसका बाद में अपनी चीज़ें बता दूँ, इसलिए मैंने अपनी ऑनेस्टी से पहले अपनी चीज़ें बताएं फिर आखिरी में लड़की को रखा। तो लड़की के ऊपर ये वीडियो बनानी थी मुझे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए ये वीडियो नहीं बनाई। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। एम पी चेर को सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट करके लाइक कर दिए।